गुना शिवपुरी अशोकनगर संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर केपी यादव आज शिवपुरी पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की है। वहीं डॉक्टर केपी यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र शिवपुरी में आज पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने मानस भवन में आयोजित दिव्यांगजनों हेतु कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर उन्होंने जिले के लगभग 600 विकलांग लोगों को बैटरी वाली साइकिल देने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था उन्हें मौके पर ही साइकिल मुहैया कराई गई। इसके अलावा सांसद प्रतिनिधि वृद्धा आश्रम पहुंचे और उन्होंने वृद्धों को फल वितरण किए। पत्रकारों के द्वारा जब केपी यादव से शिवपुरी के सांसद प्रतिनिधि मयंक दीक्षित के विवाद पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने परेशान किया है, यह मामला मेरे संज्ञान में, पुलिस ऐसे व्यक्ति को परेशान ना करे। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सुना उन्होंने आपको कई बातें बताई, मेरा भी आप सभी से यही अनुरोध है कि सरकार आपके साथ है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें जो भी मदद सरकार से आपको चाहिए सरकार आपके साथ खड़ी है और हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार है। भाइयों, हमेशा से ही सरकार का और भारतीय जनता पार्टी के एक एक जनप्रतिनिधि का यही लक्ष्य रहता है, चाहे माननीय वीरेंद्र रघुवंशी जी हों, चाहे हमारे संगठन के इस जिले के अध्यक्ष भाई राजू बाथम जी हों, या जो भी हमारा परिवार। सरकार की योजना है कि जितने हमारे दिव्यांग भाई हैं उन सबको ये उपकरण दिए जाए, जिसको चलने में जो असमर्थ हैं उन्हें ट्राइसाइकिल दी जाए, जो 80% से ज़्यादा विकलांग हैं उनको जो है मोटरसाइकिल दी जाए, इसके बाद कान की मशीन है, छड़ी है, ऐसे अनेक प्रकार के उपकरण बनाए हैं कि वो उनको देंगे तो उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सहूलियत होगी और वो ठीक से अपना कार्य कर पाएंगे। तो उसी कड़ी में पिछले एक साल से हम लोग लगे थे, बीच में कैंप लगवाए थे और जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया था उनको आज उपकरण दिए जा रहे हैं और ये योजना आगे भी चलती रहेगी। जो भी हमारे भाई बहन रह जाएंगे वो आगे भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनको आगे इस तरह के कैंप लगवा के और उनको आगे भी इस तरह के उपकरण दिए जाएंगे। अगले अपन अगला शिविर जब होगा तब उसमें दिला देंगे, और निश्चित ही जितने लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं उतने उपकरण दिल्ली से आ चुके हैं और जिनके आगे रजिस्ट्रेशन होंगे उनको तब मिल जाएंगे, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन होगा कंपनी से बात होती है तो किस व्यक्ति को किस उपकरण की जरूरत है उसी आधार पर उपकरण भेजे जाते हैं, तो निश्चित ही अगर उनका रजिस्ट्रेशन होगा तो उन्हें अवश्य उपकरण मिलेगा। यहाँ अभी करीब 650 लोगों लाभान्वित होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इतना बड़ा जिला है तो काफ़ी कम संख्या है ये। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें और लोगों तक ये संदेश पहुँचे कि सरकार आपके साथ है और इस तरह के उपकरण आपको निःशुल्क दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। तो जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा, निश्चित मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी इच्छा तो ये है कि एक भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए, जो भी हमारे यहाँ दिव्यांग भाई हैं उनको जो भी उपकरण की उन्हें जरूरत है वो निश्चित मिले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।